From the bar train to a tour bus, still the same game except I'm pulling more sluts, more butts, more bucks, never giving more fucks. Did it my way, I'm never taking shortcuts. Raised in a town like fool, who put you up on, huh? E40 Mac Dre, who I grew up on. I've been selling game, got you. So hello, Rudiners, how are you guys? Welcome back to the channel. तो आइज लॉन्ग राइड पे एक हम लोगों को निकलना है. हम लोगों को क्या, बस मैं अकेले सोलो निकल रहा हूँ. ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर की राइड होगी. और कहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं अपने चिंटू भाई से मिलने. यहाँ से हम लोगों को एक्चुअली जाना है पूरा झारखंड के बॉर्डर पे, मतलब बिहार और झारखंड के बॉर्डर पे वो जगह पड़ती है. तो आपको उस वीडियो में पता चलेगी, जिस वीडियो में आप लोग देखोगे उसी में आपको पता चलेगी एग्जैक्ट मैं जा कहाँ रहा हूँ. तो अभी उसी के लिए थोड़ा बहुत काम कराना है, क्योंकि आगे में नंबर नहीं है गाड़ी पे. तो मैं सोच रहा हूँ लिखवा लूँ, शायद प्रॉब्लम हो सकता है बीच में. और एक टैंक बैग देखते हैं, तो न्यू लगवा लेंगे, टैंक बैग ले लेंगे या फिर मोबाइल माउंट लगवा लेंगे. तो अभी चलते हैं हम लोग, देखते हैं. अभी कुछ भी डिसाइड नहीं है कि कहाँ चलना है, क्या करना है, बस चल रहा है. तो देखते हैं, हो जाए भैया पॉसिबल तो लगवा ही लेते हैं. बाकी तो हाँ भैया ठीक है, चलो. और मैं सोच रहा हूँ एक ब्लॉग चैनल रखने का, मतलब चैलेंज रखने का, कि भैया मेरे आने वाले 5 वीडियोस या 10 वीडियोस पूरे पूरे भोजपुरी में होंगे, थोड़ी भी हिंदी यूज़ नहीं होगी, है ना. तो सोच रहा हूँ मैं ऐसा करने का. आप लोग बताओ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. अभी तक मोटो ब्लॉग पूरे भोजपुरी में कोई भी नहीं किया है, पूरा मतलब एक सीरीज़ नहीं चला है किसी ने भी. अगर पसंद आएगा तो भाई भोजपुरी कंटिन्यू रखेंगे, अपनी मदर लैंग्वेज है भोजपुरी भाई, जैसे सब लोग. तो चलो भाई चलते हैं अभी फटाफट. हम लोग जहाँ से रैपिंग का काम कराए थे वहाँ पे, एंड यहाँ पे MKS. सो गाइज, हम लोग आए हुए थे मलदैया पे, एंड ये भैया की शॉप क्लासिक मोटर ऑटोमोबाइल नाम से, और काफ़ी अच्छे रेट पे मुझे भाई ये मिल रहा है HJC का. और बताओ आप लोग कितना प्राइस होगा, 350 रुपये में. एंड ये आपका बाहर मार्केट में आपको 350 का मिल रहा है, यहाँ पे आपको 120 का मिलेगा, है ना भैया. तो बहुत सारा भैया के पास स्टॉक है, बाकी जो भी मॉडिफिकेशन की सामान चाहिए वो सब आप ले सकते हो. और ये देखो, ये प्रोजेक्टर है, जैसे एक्स्ट्रा लाइट जो लगवाते हैं बाइक में वो लोग, उसके लिए है. तो काफ़ी अच्छे प्राइस पे दे रहे हैं भैया, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया. तो ये हम लोग लगवा रहे हैं अपनी लॉन्ग राइड के लिए, तो जहाँ पे भी चल रहे हैं. तो इसको लेके पहले लगवाते हैं, नीचे फिक्स करवाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में. BMW कार वाला मेरे से बहुत तेज़ी से ओवरटेक करके गया, तो मैं सोचा कि शूट कर लिया जाए भाई, अभी तो हाईवे पर चलेंगे ही, देख लेते हैं भैया कौन कितना पानी में है. वैसे BMW है भाई, मजाक मैं नहीं ले सकते, बट ठीक है, फिर भी ट्राई करेंगे चेस करने की. देखो वो आगे चल रहा है, आप लोगों को शायद दिखा होगा कि नहीं दिखा होगा, बट ये रेड वाला जो ऑटो है स्कॉर्पियो के आगे है. देखो वो, देखो वो, देखो सामने. देखो ये BMW की 330 i, पता नहीं कौन सी है ये. भाई गाड़ी झटके ले रही है पता नहीं क्यों. अपने जस्ट बगल में है, एंड मेरी गाड़ी पता नहीं क्यों झटके लेना स्टार्ट कर दी. यार ये जब कंटेंट मिलता है ना तो काम नहीं आता है भाई कुछ भी.
BMW वाला आया तो सो भाई काम वगैरह तो हो गया एंड ये देख सकते हो, पता नहीं दिख रहा कि नहीं, मोबाइल होल्डर भी लग गया है तो अब अच्छा हो गया है। चार्जिंग वार्जिंग की दिक्कत खत्म है कुछ।